ओम नमः शिवाय। देख लो रेलवे स्टेशन पे क्या कर रही है दोनों। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग कालका पहुँचे और यहाँ से अभी हम बस के लिए वेट कर रहे हैं। जब बस मिलेगी तभी हम यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस हम लोग कसौली पहुँच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी होटल देखने के लिए। तो यस गाइस, तो फाइनली हम लोग आए कसौली और हम लोग आए थे कल ही, और कल का मौसम यहाँ पे सारा दिन ख़राब रहा क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हो रही थी यहाँ पे और आज थोड़ा सा फ्रेश है। तो हम लोग सोच रहे कहीं बाहर घूम के आए, वैसे कल भी घूमे थे लेकिन कल ज़्यादा टाइम हम घूम नहीं पा रहे थे वहाँ पे। तो गाइस हम लोग बस यहाँ से निकल रहे घूमने के लिए, जा रहे थोड़ी देर में निकल रहे यहाँ से। और ये ब्लॉग हमारी लंबी होने वाली है क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 दिन स्टे करने वाले हैं। आना अपनी वीडियो बना रही है। अच्छी तो है। साक्षी भी रेडी हो गई है, देखो जा रहे हम बस निकल रहे 2 मिनट में अब रूम से। और हम फाइनली रास्ते में है अभी। यहाँ से पूछते हैं अंकल से कि घूमने के लिए कौन कौन सी जगह अच्छी है। तो हमने जहाँ पे रुके थे, हमने होटल जहाँ पे लिए थे वहाँ से हमने अंकल से पूछा कि हमें कैसे जाना, उन्होंने बताया हमें। चलो यहाँ पे हर जगह बंदर ही बंदर है। तो मेरे को हमेशा ये काम क्या आना पड़ता है, सारे टेंशन होते हैं। पता नहीं बहुत भी मुझे पता है। हम लोग जा रहे सनसेट पॉइंट, अभी तक पहुँचे नहीं लेकिन थक गए हम। बस हम शायद पहुँचने वाले थोड़ी देर में। बस आज यहाँ पे सनसेट देखने के लिए आए थे लेकिन आज पूरे दिन सनराइज ही नहीं हुआ क्योंकि पूरे दिन आज बारिश हो रही है यहाँ पे, तो हम नहीं देख पाएंगे सनसेट। और अभी हम वापस जाना पड़ेगा हमें क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा, देख सकते हो आप लोग, अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे कोई नहीं है, बस हम तीनों है यहाँ पे। झूला झूल रही थी ये देखो ये यहाँ पे। तो हम बस यहाँ से निकल रहे थोड़ी देर में क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं अभी। शेक और कोल्ड ड्रिंक आ गए इन दोनों का। मोमोज कैसा था? अच्छा। कोल्ड ड्रिंक चटनी बहुत अच्छी, इसीलिए दोबारा मंगा ली इसने। मेरा फेवरेट चिकन फ्राइड राइस भी आ गया। मेरा फेवरेट। तेरा भी फेवरेट है? साक्षी का नहीं है क्योंकि ये फुल्ली वेजिटेरियन है, फिर भी हमारे साथ खाती रहती है ये। इसको बोलते हैं फाड़ू वाला प्यार। हाँ और आज है हमारा day 2 और day 2 में देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह कवर कर रहे हैं, क्या क्या प्लेसेस हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट आ चुका है गाइस। तो हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। हम सबसे पहले चर्च जाएंगे, उसके बाद मंकी पॉइंट, उसके बाद गार्डन हाउस और देखेंगे वहाँ पे हम। वैसे ना ये क्या है, ये जगह का नाम यार कसौली बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, मतलब नेचर वाइज। तो हम जा रहे देख यहाँ पे साइट सीइंग ज्यादा है, मतलब व्यूज बहुत अच्छे अच्छे हैं। घूमने की जगह कम है बट व्यूज बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को कसौली आके कैसा लगा? अच्छा, प्यारी जगह है ना। हाँ बहुत प्यारी जगह यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है आके। अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, देख रहे हो मेरे बाल ऐसे उड़ रहे हैं, समझ रहे हो? चलो हम यहाँ से चलते हैं अपने जर्नी के लिए, स्टार्ट करते हैं अभी। बोल श्याम आई लव यू, दोनों साथ में 5 6 7 गो श्याम। एक चीज और बता दो, हमने पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं और अभी तक मंकी पॉइंट कहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, और हमें भूख बहुत तेज लगी है यार। कह रहे थे नीचे कि कैफे है लेकिन अभी तक कैफे भी नहीं दिख रहे हैं। मंकी पॉइंट कितना दूर है?
तो 10 मिनट हमें जाने में लगेंगे और कह रहे हैं बाकी वो चलने के बाद ही पता चला कि 10 मिनट में सब में पहुंच रहे हैं। एक चीज कवर की है बस। तो जैसे कि आप लोगों को पता, हमने बताया थे लास्ट टाइम कि हम लोग जा रहे हैं मंकी पॉइंट, लेकिन वहाँ पे हमें फोन अलाउड नहीं कर रहे थे तो हमने वहाँ का व्यू नहीं ले पाया और हम अभी वापस जा रहे हैं चर्च। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं चर्च में, अभी हम पहुंचे यहाँ पे और यहाँ पे बारिश हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और फील हो रहा है कि स्नोफॉल जैसा हो रहा है यहाँ पे अभी। सो गाइस, हम लोग चर्च आए हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं, बट अंदर फोन अलाउड नहीं है तो हमने आपको बाहर का व्यू दिखा दिया है। अब हम अंदर जाके फिर से मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज हमारा 3 दिन हो गया कसौली में। और हाँ, एक चीज़ और आज हम निकल रहे 12 बजे कालका से दिल्ली के लिए, क्योंकि आज हम लास्ट डे यहाँ पे रुक रहे हैं। तो आज जितना हो सके हम उतना एक्सप्लोर करेंगे, आज ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों को भी घुमाएंगे। और हम थोड़ी देर के बाद जा रहे ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद ही हम निकलेंगे कहीं 12-1 बजे के करीब। तो हम लोग रेडी हो चुके और जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। उसके बाद हम 7-8 बजे करीब निकलेंगे कालका के लिए। हमने कैब बुक कर लिया और यहाँ से निकलेंगे और हमने नाश्ता भी कर लिया, खा भी लिया। हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग, कुछ नहीं दिख रहा लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब। कल आए थे हम लोग इसी जगह पे, पूरा क्लीन, यहाँ से नीचे ना पूरा ऐसे घर वगैरह दिख रहा था, बहुत साफ़ बहुत ज़्यादा क्लीन। आज कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ से और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आज का नज़ारा। आना वेट कर रही है वो मेरे, और साक्षी आगे चली गई है, लड़ाई होगी थोड़ी सी हमारी, कोई नहीं मान जाएगी वो। गाइस बिलीव नहीं करोगे, इतना सही लग रहा है यहाँ पे आके, इतना प्यारा मौसम है आज ना, यकीन नहीं हो रहा। और हम लोग को लगा था कि यार दिल्ली से यहाँ पे आए ना बस ऐसे होगा कि थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि जून जुलाई का महीना ऐसा था कि गर्मी होती हर जगह, लेकिन आज का मौसम। हम लोग पहुँच गए गिलवर ट्रेल, यहाँ के मौसम से ना प्यार हो जाएगा, कोई भी बंदा है यहाँ पे ना प्यार हो जाएगा उसे यहाँ के मौसम देख के, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतने खूबसूरत है यहाँ की चीज़ें। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी अभी, काफ़ी दूर आगे चलते चलते। अब थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, फिर भी हम चल रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं, एक भी लोग नहीं दिख रहे। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं दिल से, मैं बहुत हैप्पी हूँ अभी, और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है ट्रैकिंग का और बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। आगे पता नहीं होगा, लेकिन आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता, लेकिन अब भी फिलहाल इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे ना, मैं आप लोगों को शब्दों में बता नहीं सकता। पूरा फॉग है यहाँ पे, पूरा फॉग ही फॉग, और आसपास कोई नहीं दिख रहा, मतलब काफ़ी दूर आ गए हम। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी देर तक ट्रैकिंग की और घूम लिया, और अभी तक कुछ नहीं पता कहाँ कितना लंबा जाना है, लेकिन हमने सोचा कि फाइनली यार अब नहीं होगा, अब जाते घर, क्योंकि हमारी 12 बजे रात की ट्रेन है और हमने सामान कहीं छोड़ रखा है वहाँ से लेने हैं, और फिर कैब से हमें निकलना है ताकि हम लेट ना हो जाए, तो इसलिए हमें सही टाइम से निकलना पड़ेगा ताकि हम सही टाइम पर पहुँच पाए रेलवे स्टेशन। तो हम अभी निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज, हम लोगों ने गिलबर्ट ट्रेल घूम लिया, मतलब वॉक कर ली, नेचर वॉक, और हमें बहुत अच्छा लगा और व्यू भी बहुत प्यारा है, जंगल है साइड साइड में, बीच में ऐसे रोड जा रहा है, और हम अब बहुत थक गए हैं तो हम वापस जा रहे हैं कुछ खाने। हाँ, हम जाएंगे कुछ नीचे खाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे जहाँ से हम होटल लेते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे सामान हैं
और वहाँ से फिर हम कैब करेंगे। वैसे कैब वाले को हमने बता दिया कि टैक्सी बुक कर लिया है, 8 बजे करीब निकलना है। सो गाइज, हम फाइनली कसौली से कालका रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है जो 12 बजे है। हमारे पास 2 से 2.5 घंटे हैं, तो हम सोच रहे कुछ बाहर जाके खा के आ जाए, तब तक हम बाहर ही टाइम भी हो जाएगा। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम लोग आ गए रेलवे स्टेशन पे और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं दिल्ली। और होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।